राधे राधे, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। मैं लेके आई हूँ भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी के लिए मैं स्पेशल तरीके से भिंडी आज बनाऊंगी। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं भिंडी बना रही हूँ। और गाइस, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि रेसिपी कैसे बनी भिंडी की। तो गाइस, भिंडी को मैंने पहले सबसे पहले पानी को में भिगो दिया है और इसको दो तीन पानी से धो लेंगे। दो तीन पानी से धोने के बाद इसको लंबा इस तरीके से लंबाई में काटेंगे, गोल नहीं काटेंगे, तो बीच से एक कट लगा के इस तरीके से लंबाई से काटेंगे। इस तरीके से मैंने इसको दो तीन पानी से धो लिया है और पानी में भिगो दिया है। पानी से निकाल लेंगे और इस तरीके से काटेंगे। इसके छोटे छोटे पीसे नहीं करना है और इस तरीके से आगे के निकाल देंगे, पीछे से इस तरीके से निकाल दिया है और बीच में इस तरीके से ये कट लगा देंगे। इस तरीके से भिंडी को काट लेंगे। और गाइस, दो प्याज को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में काट लिया है, इस तरीके से। और गाइस, भिंडी को काट लेंगे। गाइस, मैंने इस तरीके से भिंडी काटी है लंबाई में और उसके बीच में कट लगा दिया है। इस तरीके से भिंडी काटी है, गोल भिंडी नहीं काटी है। तो गाइस, इस तरीके से ओके हो गया। अब चलिए छोंकते हैं। गैस को ऑन करके कढ़ाई रख देंगे लोहे की, क्योंकि इसमें भारी पड़ जाती है। आप चाहें तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। इसमें छोटा चमचा ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा चुटकी से जीरा, थोड़ा सा नमक आधा टीस्पून से कम, और ये भिंडी है इसमें डाल देंगे। इसको चलाएंगे और गैस को लोहे से डाल देंगे और इसको पानी से ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, अब इसको देखेंगे। मैंने इसको लो फ्लेम पे कर दिया था, अब हाई फ्लेम पे कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि भिंडी जो है थोड़ी सी इसका ग्रीन कलर जो है चेंज हो गया है। अब इसको उसी थाली में निकाल लेंगे भिंडी इस तरीके से निकालेंगे। अब इसमें ऑयल डालेंगे, छोटे 2 चमचे मैंने डाला है ऑयल। अब इसको गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें ताकि ये तेल की जो झार होती है वो चली जाती है, इसलिए नमक डालना ज़रूरी होता है। और आप देख सकते हैं, अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो तेल की झार आ जाती है सब्जी में। अब इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसको भूनेंगे। गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि प्याज जल्दी भून जाए, और इसको जलाना नहीं है, हल्का गुलाबी करना है। गाइस, प्याज जो है भून चुका है और इसमें डालेंगे आधा टीस्पून से भी कम टर्मरिक पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जो भिंडी फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको चलाएंगे, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 चुटकी कश्मीरी मिर्च। गैस को लो फ्लेम पे करके और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस 5 मिनट हो चुका है, अब इसको चलाइए और गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे। अब इसको इस तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं गैस, इसमें ऑयल जो है, इसमें भिंडी ने ऑयल छोड़ दिया है और ये भून चुकी है और ये पकी गई है। मसालेदार चटपटी भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सर्व कर लिया है, चटपटी मसालेदार भिंडी। इस तरीके से गाइस आप बनाइएगा भिंडी, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है और स्वादिष्ट लगती है खाने में। और गाइस, अगर आप नए हैं प्लीज मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि और बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे।